सामान्य जेनेरिक विषय पर इन दिनों चंबा के बियासी कार्यालय में सेवाकालिक शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में 70 प्रशिक्षित कला अध्यापकों ने भाग लिया। इस दौरान अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, विशेष बच्चों को शिक्षण संस्थानों से जुड़ने, सीखने के प्रतिफल इत्यादि पर विस्तार से चर्चा की गई। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मसूर से एज ए आरपी यहाँ पे प्रेजेंट हुआ हूँ। और इस 5 दिवसीय कार्यशाला में 3 ब्लॉकों के जो अध्यापक है वो हिस्सा ले रहे हैं, उसमें से क्यानी, चंबा और हरदासपुर, ये 3 ब्लॉक्स हैं जो कि हमारी 5 डे इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है जेनेरिक इशू के ऊपर अपर प्राइमरी 6 to 8 डाइट लेवल पे था ये, और जो यहाँ पे कार्यरत हुआ। इसमें जो पहला हमारा दिन था उसमें हमने इंट्रोडक्शन और जो पर्पज ऑफ इस पूरे मॉड्यूल का जो पर्पज है उसको रखा गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन था वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर था, और जो तीसरा सेशन था इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के ऊपर था, और जो चौथा इसका सेशन था वो नेस के ऊपर था। और जो दूसरे दिन की हमारी जो कार्यवाही रही उसमें से जो पहला सेशन लिया हमने वो RPDW एक्ट, राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के ऊपर लिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन था वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर लिया गया था, और जो लास्ट और अंतिम सेशन था जो कि लर्निंग आउटकम्स के ऊपर लिया गया था जो कि अभी चला हुआ था। इसी के साथ जो हमारा तीसरे दिन का जो आज का शेड्यूल रहेगा वो है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का और लाइफ स्किल का। इसके ऊपर जो है इन सभी अध्यापकों से चर्चा की जाएगी, बात विमर्श किया जाएगा। इसी के साथ जो अंतिम दिन का रहेगा हमारा वो है डिजिटल कॉम्पिटेंसी। डिजिटल कॉम्पिटेंसी पे हमने कि हमारे सभी सारे के सारे स्कूलों में बहुत बड़ी बड़ी एलईडियां, कंप्यूटर्स और क्यान आए हुए हैं, इस से हम टीचरों को कैसे अवगत करवाएं कि इनको इनके माध्यम से बच्चों को हमने कैसे पढ़ाना है, ये हमारा 5 दिन का शेड्यूल